दुर्गा पूजा रे गड़ी परी बस घरे बस मालिक संघर निष्पत्ति 20 तारीख रो अनिर्दिष्ट काल पर्यंत धर्मघट संघ कहला प्रतिश्रुति पालन करूना सरकार लक्ष्मी योजना को विरोध रत्नभंडार खोलिबा प्रसंग गजपति को भेटिला बीजेपी शीघ्र कमिटी गठन प्रक्रिया आगक बढ़ेबा पई कले दाबी कले विलंब हेले पुणी हेबे कोर्ट को द्वारस्थ बीजेडी रो प्रतिक्रिया धार्मिक प्रसंग को नै राजनीति करूछन्ति विरोधी चर्चारे मंत्री शारदा नायक सोशल मीडिया रे तीनटी वीडियो हेला वायरल कवाली कार्यक्रम रे उड़ाइले पुलापुला टंका जीवन बिंदु कार्यक्रम रे छुंची फोड़िले मे हूं डॉन गीत रे नाचिथिले मंत्री वीडियो वायरल परे रखिले सफे 2024 रे कहा को देबो टिकट एबे थारु प्रार्थी खोजे आरंभ करानी कांग्रेस जिला सभापति को चिट्ठी लिखिला पीसीसी मासक मध्य रे प्रति आसन पाई 3 रु 5 जण योग्य संभाव्य प्रार्थी को तालिका पठाइबा को निर्देश पीसीसी सभापति कहले एतरो 9 रु हेबो 90 स्मार्ट सिटी हेउची राजधानी विषाक्त वायु रे अण निश्वासी हेउछंती भुवनेश्वरवासी गवेषणार आसला चिंताजनक तथ्य विषाक्त धुआं धूलिकणा जोगु घातक रूप नेउची प्रदूषण विशेषज्ञ कले सतर्क पदक्षेप न नेले सांघातिक हेबो स्थिति बढ़ला तिर्तोल विधायक विजय शंकर को अड़ुआ कटक साउथ रजिस्ट्रार ऑफिस रे हाईकोर्ट को कॉपी दाखल कले पूर्वतन प्रेमिका सोमालिका न्याय न मिलवा जाए विधायक को बाहागर बंद रखा कले अनुरोध पूजारे गड़बनी घर बस 20 तारीख राज्यव्यापी बस धर्मघट करने को घोषणा कर घर बस मालिक संघ सरकार आलोचना पर गत 9 तारीख में धर्मघट को स्थगित रखि संघ आ 31 पर्यंत धर्मघट स्थगित रहा बोली संघर कर्मकर्ता किंतु सरकार प्रतिश्रुति पालन करुन अभोग आनी एवं पुणी थे धर्मघट डाकरा दे घर बस मालिक संघ यूटर्न मारा घर बस मालिक संघ 20 तारीख रु पुणी बस धर्मघट बदलीगला घर बस मालिक संघर निष्पत्ति चलित मास 31 तारीख जाए आंदोलन को टाणी देखा घर बस मालिक संघ पुणी अचानक दशहरा समय धर्मघट डाकरा दे 20 तारीख रु बस धर्मघट हो घोषणा कर बस मालिक संघ सरकार लक्ष्मी बस योजना को विरोध कर घर बस मालिक संघ यह निष्पत्ति संघ सफे योजना नहीं सरकार घर बस मालिकों जो प्रतिश्रुति पालन करना तेणु 20 तारीख सका राज्य में घर बस गड़बना सरकार जहाँ प्रतिश्रुति दिखती कार्यकारी करती ना से आम बाध्य आज जेनेल बडी मालिक निष्पत्ति ग्रहण कले सरकार प्रतिश्रुति सरकार जो निजे रखुना आम बाध्य बस कहीं चलेगा से चल तो आम बस लोक बस क्या से एका टाइम एका समय चलिए आम 5 मिनट लेखा ग्याप चलाउ तार भितर से चलेंगे कमी बस चलो से आम बाध्य 20 तारीख जदि जनसाधारण को असुविधा हम आम जनसाधारण भूल मागि नौ आज बाध्य आज मालिक मान असुविधा को डक आम 20 तारीख सका 6 अनिर्दिष्ट काल बस धर्मघट कर गवर्नमेंट पूरा बर्बाद करने घर बस मालिक मानक बर्बाद करार तुली मान आसी जामकू गवर्नमेंट बाध्य करुच्चे आम स्ट्राइक को जीपाई से आम डाकरा देचु आसंता 20 तारीख में आम ऑल ओडिशा गोटे अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ना पूरा ओडिशा सारा आम टोटली घर बस मालिक संघ पूरा डिसीजन नियाई आम टोटली बंद करू संघ कही लक्ष्मी योजन बस चलाचल दर कम रही समान समय लक्ष्मी और घर बस चलाचल कर ब्लक मुख्यालय जिला मुख्यालय को लक्ष्मी बस गढ़ुच्ची सरकार प्रतिश्रुति विरुद्धाचरण कर 20 तारीख रु दशहरार गहली आरंभ हो समय घर बस मालिक संघर अचानक बस धर्मघट डाकरा अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करिछि लोके हैरान हवा एक प्रकार निश्चित होइछि मालकानगिरी देखा मिली ब्लक प्रत्येक ब्लक रु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को व्यतिक्रम कर लक्ष्य आगामी दिन में 20 तारीख में पारलाखेमुंडी लक्ष्मी योजना शुभारंभ कार्यक्रम रही आखि आगे रखिक महासंघ निष्पत्ति 20 तारीख रु सारा राज्य घर बस बंद डाकरा घर बस मालिक संघ लक्ष्मी योजन घर बस चल दीर्घ दिन है दावी कर 10 तारीख धर्मघट डाकरा भी देखा संघ किंतु मुख्यमंत्री कार्यालय हस्तक्षेप पर धर्मघट को टाणी दिया एवं पूजा थी अचानक निष्पत्ति राज्य में बड़धरण प्रभाव पकड़ संभावना रही
ଘରୋଇ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଶ୍ମିଙ୍କ ସହ ଲୋକନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ। श्रीमंदिर रत्नभंडार केबे खोलिब? रत्नभंडारे महाप्रभु रत्न अलंकार सुरक्षित अच्छी ना रत्नभंडार स्थिति केमिति रही जानवापी कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी अपेक्षा करु रत्नभंडार खोलिबा नहीं तत्परता देखाउ नाहंती श्रीमंदिर प्रशासन और राज्य सरकार जहाक नहीं आज गजपति महाराज को भेटिंट बीजेपी एक प्रतिनिधि दल आ तुरंत खोलिबा को दावी कर। दीर्घ 45 वर्ष तले महाप्रभु रत्न भंडार खोल जा रत्न अलंकार गणति होता किंतु तापरे बारंबार दाबी सत्वे एपर्यंत रत्न भंडार खोल जाए ना। श्रीमंदिर प्रशासन और राज्य सरकार रत्न भंडार खोल को विशेष तत्परता देखा नहांती जहाक नहीं बढ़िबारे लगी संदेह आउ तेजिबारे लगी रत्न भंडार खोल दाबी रत्न भंडार खोल को बढ़ुची दाबी गजपति को भेटिले बीजेपी प्रतिनिधि दल कांग्रेस रणहुंकार परे आज बीजेपी एक प्रतिनिधि दल गजपति राजा को भेटी रत्नभंडार खोलिबा प्रसंगरे आलोचना करिछंती। राज्य बीजेपी पूर्वतन सभापति समीर महांती नेतृत्व में बीजेपी टीम गजपति महाराज को भेटी अगस्त 4 तारीख में हाइकोर्ट दे निर्देश अनुसार तुरंत कमिटी गठन करने को दावी करते तेरे जदि तुरंत कमिटी गठन न हुए ताहले पुणी हाइकोर्ट को द्वारस्थ हे बोली चेतावनी देती बीजेपी नेता। लक्ष लक्ष जगन्नाथ प्रेमी भक्त मान मनरे द्वंद्व सृष्टि 45 वर्ष धरी खोल जाए ना तेणु से रत्नभंडार सुरक्षा रत्नभंडार सब सुरक्षित तो अच्छी ना नहीं ये हूँ आईनर व्यवस्था ये भक्त मान मन भितर द्वंद्व 45 वर्ष दीर्घ वर्ष खोलाई ना तो निश्चित कौटी ना कौटी ये सन्देह उपजी तो ताको दूर करने आम नवेदन अगस्ट रु सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर रु अक्टोबर 4 तो गला दिमास काल तेणु आम आज गजपति पाखे हाइकोर्ट जो राय आसी सम्मान जनई तुरंत आउ थे राज्य सरकार को ये संपर्क में विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश करने अनुरोध करने को जड़ेबू। बीजेपी नेता गजपति महाराज को भेटा और रत्नभंडार खोल को दावी करने बीजेडी जवाब रखी। बीजेपी राजनैतिक उद्देश्य रखी रत्नभंडार प्रसंग को सबुबले चर्चा करुवा अभोग करजेडी विधायक रत्नभंडार खोल कथा हाइकोर्ट निर्देश देखिए जो कमिटी अच्छी परिचालना कमिटी सीता निष्पत्ति करके जहाँ पदक्षेप ने नुहे राजनैतिक प्रसंग नुहे कांग्रेस वाला जा गोटे राली कले कौटे पूरी रे करते दिन 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 तले तेनाली वाला सब ये सब कथा कर राजनैतिक उद्देश्य किसी कथा श्रीमंदिर रत्नभंडार खोल प्रसंगे एक कमिटी गठन करने को हाइकोर्ट गत अगस्त मासरे निर्देश देते श्रीमंदिर प्रशासन को दुई मास भितरे कमिटी गठन पाई कोर्ट कहते किंतु यह भितरे प्राय अढ़े मस बीती जाते भी कमिटी गठन होना जहाक नहीं साधारण भिन्न भिन्न चर्चा बढ़िवे लगी। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन विनय और संजय ज्योतिप्रकाश दास और देवाशिष सासवाल रिपोर्ट कनक न्यूज। पुणि थरे चर्चा रे राउरकेला विधायक शारदा नायक पूर्वरु डन गीतरे नाचिबा कुने चर्चा रे थिबा बळे एबे कवाली कार्यक्रम रे टंका उडाई चर्चा को आसिछंती शारदा केवल एतिकि नुहे एक रक्तदान शिविर रे विधायक जणक देहरे इंजेक्शन छुंची फोडिबार उद्यम बळर भिडियो एबे सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि। शारदाक ए भिडियो तांको समालोचना करबा पई विरोधी को एक सुजोग आनि दैछि तबे अभिजोग को खंडन करिछंती शारदा। तीनोटी जाक चित्रे जो सामानताटी रही है मंत्री शारदा नायक डन गीतरे नाचवा हो कवाली कार्यक्रम टंका उड़ाइवा होमतीक रक्तदान कार्यक्रम भी आसी शारदा जहाक नहीं सारा राज्य में चर्चा जोर धरी। साधारणतः नेता जो ढंग से देखा जनता आशा करती व्यतिक्रम थे तो यह चर्चा आलोचना कर कवाली कार्यक्रम रे टंका उड़ाउछंती मंत्री केतेबेले 500 टंकिया नोट उड़ाउछंती तो पुणी केतेबेले बिड़ारू नोट काढ़ी गायकों का हाथ को बढ़ाई देउछंती
सुंदरगढ़ एक होटेल रे आयोजित कवाली कार्यक्रम देखा मिली दृश्य मुस्लिम यूथ कमिटी पक्ष आयोजित कवाली कार्यक्रम कवाली परेषण करुले रईस अनीस एही समय रे तांको उपरे मंत्री टंका उड़ाइथिले आ मंत्री सह सामिल होइथिले देखणाहारी एही चित्रटी हेउछि राउरकेला सरकारी हॉस्पिटल रो जीवन बंधु कार्यक्रम समय रे मंत्री आसी बीपी जांच करुछंती एमिती कि जणक हाथ रे छुंची फोड़ीबा को उद्यम करुथिबार भी देखिबा को मिलेछि पाखरे स्वास्थ्यकर्मी अछंती स्वास्थ्यसेवी अछंती मंत्री शारदा नायकक एही वीडियो को नै एबे चर्चा हेउछि तृतीय चित्रटी रे बॉलीवुड गीतरे डांस करुछंती मंत्री स्टेज उपरे मे हूं डन गीतरे मंच उपरे डांस करिबा सह अभिनय मध्ये करुछंती जहा कुनी सोशल मीडिया रे चर्चा हेउछि तेबे एही तीनोटी घटना संपर्क रे सफे रखिछंती मंत्री शारदा नायक पूजा उत्सव पिला माने एमती मंच रे भाषण देला बेले पिला बेले जानंती जितेबाला छात्र अवस्था बोध शारदा भाई टे नाची जाणी गोटे स्टेपिंग से सबू जिनसर कभरेज नुह जदि के देखा गोटे प्रोग्राम रे मोर स्थित मोर अवस्थित टोटाल प्रोग्राम को जदि कई दर्शक निज पैसा ये कौन सी ब्लाक मनी नुह बा डकायती करा पैसा नुह नहीं कि सी लोक को सम्मानित कला बेले एक जनप्रतिनिधि शारदा नायक हिसाब से मत सामना को नेला बेले टंका उड़ेबार आरोप मोपुर दिजिव ये अत्यंत हास्यास्पद दुर्भाग्यजनक जदि कौटी युवक मैंने रक्तदान शिविर कर हठात गोटे युवकटे कहला शारदा भाई आपण मत फोड़देवे मैंने मत मारिदे कौन सी भेनु रक्तदाना करने कथा पाखे फार्मासीस्ट थी भाई ये भेनटा अच्छे ताकि ए प्रकार चित्रण कर दुर्भाग्यजनक शारदा नायकों एक वीडियो जेतिकी चर्चा सृष्टि करिछि ताठु अधिक विरोधी को समालोचना करिबार सुजोग आनी देछि बीजेपी विधायिका कुसुम टेटे एहाकु नै समालोचना करिछन्ति जेहेतु समस्त लोकंकर प्रतिनिधि आम मानके जणे देखबे बोले से मैंने काणा सिखबे तो आमको से भलिया लोकंकर पाखे आमको साथ देबार कथा दुख सुखरे साथ देबार अच्छे आउ सरकार जहाँ योजना अच्छे ताकू लोकंकर पाखे पहुँचुचे कि नहीं से कर्तव्य आमके पूरा करबार अच्छे मो भावुछे केवल से गोटे प्रचार रहापाई ये कथा करुछंती से बुझिछंती जे बैड पब्लिसिटी इज बेटर दैन नो पब्लिसिटी कारण वर्तमान परिस्थित से आज किसी भल कम करवा अवस्था नाहेतु भल कम कि भल कम चर्चा ना प्रचार ना तेणु सबू यह बेआईन कार्यकलापुर से लिप्त रोचा जहाद्वारा कि गोटे चर्चार खोराक होगुड़ाक सब तेणु मु निश्चित भाव आशा करी माननीय मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल सहयोगी ये प्रकार जो सब बेआईन कार्यकलाप कर सेथिप्रति नजर देबे एवं आवश्यकीय कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे बोली हम आशा करिवा शारदा नायक राउरकेला तथा सुंदरगढ़ जिलार टाणुआ बीजेडी नेता झारसुगुड़ा उपनिर्वाचन समय रे पर्यवेक्षक थिबा शारदा नायक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेथिले कुहाजे एथिपाई तांको पुरस्कार भावे मंत्री पद मिलिथिला तेबे शारदा नायकक एही वीडियो भिन्न एक चर्चा सृष्टि करिछि कैमरा पर्सन गौतम माइती सुंदरगढ़ देवाशीष कवि रिपोर्ट कनक न्यूज निर्वाचन आसिले कहाकु टिकेट मिल टिकेट पाइबापाई नेता माने लबी करती प्रमुख राजनैतिक दल आशायी प्रार्थी मध्य छका पंझा हुए जहाँ को एड़ाइबापाई निर्वाचन को प्राय जहाँ कि वर्तमान समय जदि आम देखा तो पांच मस रु अधिक समय रही किंतु तागरु कसरत आरंभ कर राज्य कांग्रेस जी कि तृणमूल स्तर में लोकों सहित रहीकि कम करुंतर गोटे तालिका पीसीसी को पठेबा को निर्देश देखते पीसीसी सभापति कांग्रेस टिकेट कसरत ओडिशार अपणाइब कर्णाटक फर्मूला एवठ आरंभ है प्रार्थी खोजा 2024 निर्वाचन पर आगुआ प्रार्थी चयन करने को अंटा भिड़ी पीसीसी सभापति शरद पटनायक टिकेट बंटा को नहीं जेपरी अड़ुआ स्थिति सृष्टि न हो से प्रार्थी खोजा प्रक्रिया आरंभ कर कांग्रेस कर्णाटक विजय फर्मूला को आधार कर राज्य निर्वाचन लड़ कांग्रेस
ଏଥର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଟିକେଟ୍ ଚୟନ କରିବ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ପିସି ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 21 ଲୋକସଭା ଓ 147 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଠାଇବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା। ଏଥିପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପିସିସି। ଦଳର ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କର ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଯେଉଁମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହିଳା ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦଳୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ପୂର୍ବତନ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଲୋଚନା ପରେ 3-5 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକା ପିସିସିକୁ ପଠାଇବେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ତାଲିକାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏଆଇସିସିକୁ ପଠାଇବ ପିସିସି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ପପୁଲାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନାମ ଯାକ ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମିନିମମ୍ 3 ନାଁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସିପାରୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 8-10 ବି ହେବେ ସେଥିରୁ 5 ଖଣ୍ଡେ ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାର ୱିନିଂ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେହିଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେହି ୱିନିଂ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ବା ଲୋକସଭାରେ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ସେହିଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଆମର ବି 3 ଆଗରୁ ଆମର ମିନିମମ୍ 50+ ଟିକେଟ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ୍ କରିଛୁ। ଆମର 40-50 ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟର୍ କରିନୁ, ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ସେଟାକୁ ଡିକ୍ଲେୟର୍ ହେବ। ସେଇଟା 5 ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀରେ ଡିକ୍ଲେୟର୍ ହେବ। ପ୍ରାୟ 50 ଆସନରେ କିଏ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏନେଇ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। 2024 ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ 9 ବଢ଼ି 90 ଆସନରେ ପହଞ୍ଚିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଅଭିଯାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଅଡ଼ୁଆ। କଟକ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କପି ଦାଖଲ କଲେ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା। କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ବାହାଘର। ବଢ଼ୁଛି ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ, ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାନ୍ଧବୀ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବିବାଦ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। କଟକ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ମାମଲାର କପି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା। ଏଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିବାହ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଧାୟକଙ୍କ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ମିସ୍କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଆଉ ମାମଲାର କପିକୁ ସୋମାଲିକା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସୋମାଲିକା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ବିଧାୟକଙ୍କ ବାହାଘର ବନ୍ଦ ରହୁ। ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପରେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆବେଦନ କରିଥିଲି ତାର କପିଟା ଆଣି ସବମିଟ୍ କଲି ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ କହିଲେ କି ମୋତେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଇଏ କରିବି। ପ୍ରିୟାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ ମିଳିଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ନଜର, କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେବେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର? ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପାଇଁ କଟକ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ କଟକ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଡ଼ା ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ ସୋମାଲିକା। ଗତବର୍ଷ ମେ 17 ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1 ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ। ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ ଏହା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବା ଉପରେ ସୋମାଲିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହଟି ଷ୍ଟେ କରାଯାଉ, ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ବିବାହ କରିପାରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ କ'ଣ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି? ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି। ବିଜୟ ଶଙ୍କର ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କ ବିବାଦ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଥିଲା।
ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାମଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଭୟଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।